गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं जस्ट अभी 30 मिनट्स पहले सो के उठी हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मेरी मम्मी सुबह सुबह ही एकदम तैयार हो जाती है और भगवान को अर्घ देती है, यानी कि सूर्य भगवान को अर्घ देती है। तो वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ये सब चीज़ देखने पे। और पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे 16 डिग्री तक के टेम्परेचर जाता है, इतना नीचे चले जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड है। और मंडे को यानी 17 को बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और बारिश भी थी यहाँ पे लगातार 2 दिन तक के। वैसे मेरे ससुराल की जो शादियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी जो शादियाँ बची है जो मैं इतने दिन के लिए इसलिए रुकी हूँ वो है मेरे मायके साइड की, तो अभी मुझे वो कंटिन्यू करना है। सो अभी मेरी मम्मी तुलसी की पूजा करने के लिए आई है और मैं देख के वो सब इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये तो हम मुंबई में भी करते हैं बट इतने बड़े आंगन में हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर पे ना 2 अमरूद के पेड़ हैं जिसमें बहुत सारे अमरूद लगते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ के अमरूद। सो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 9:45 और अभी मैं गोंदिया में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मम्मी बना के देती है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ग्रीन वाले चीले। हम लोग चीले बोलते हैं, एक्चुअली वो पराठे जैसा होता है बट लहसुन, आप जानते होंगे लहसुन के पत्ते जो आते हैं उसको पेस्ट बना के उसके पराठे बनाए जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मेरे घर पे है केलवन का खाना। जो महाराष्ट्रियंस ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चलेगा केलवन का खाना क्या होता है। जब भी किसी लड़की की शादी जुड़ती है तो जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने घर पे उस दुल्हन को शादी के पहले का एक खाना होता है तो वो खाने के लिए बुलाते हैं। तो आज हमने मेरी एक जो बुआ है उनके बेटी को हमने बुलाया है रात में डिनर के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बट हम लोग मॉर्निंग में आज बना रहे हैं ग्रीन वाले चीले, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चीले होते क्या हैं।
जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे घर पे आज केलवन का खाना है। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें बना के रख दिए हैं और सब अभी मुझे सिर्फ बनानी है दही आलू की सब्जी, जो कि मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और जिन्हें खाना खाने के लिए बुलाया है वो जस्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं जो फाइनल एक मेरी सब्जी बनाने की बच गई है दही आलू की, तो वो मैं बना लेती हूँ। बाकी तो पूरा खाना मम्मी ने बनाया है। हम लोग ने खाने में क्या क्या बनाया है मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। अगर दही आलू की सब्जी पसंद करते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली दही आलू पराठा या फिर दही आलू के साथ में पूरी, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जी है। और अगर आपको ये नहीं आती है तो शायद आज इस वीडियो से आप भी इस रेसिपी को जान सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किसी और से ही सीखा है, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तब से मेरी बहुत करंट फेवरेट सब्जी दही आलू की है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं दही आलू की सब्जी। Mother never lies, destined to find.
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है 22 दिसंबर और कल मैं रात को वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, एंड नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और इतना डिलीशियस डिनर था कि मैंने बहुत सारा खाया और फिर मैं सो गई। खाने में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, खीर थी, दही आलू की सब्जी थी, पूरी थी, पुलाव था और सैलेड था। तो इतना अच्छा खाना था, वो भी मम्मी के हाथों का खाना था, तो मैंने भर पेट खाया और बाद में मैं सो गई। सो आज मैं जा रही हूँ मेरे सिस्टर के घर पे, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो उनके ससुराल में शादी है, तो आज मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो अभी मैं रेडी होने वाली हूँ और रेडी होके हम लोग, मैं और मेरी मम्मी, हम जाने वाले हैं। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है, आज का नहीं, कल का जो वीडियो है, आज हम एंड करते हैं। और जब मैं तुमसर जाऊंगी, यानी मेरे सिस्टर के घर जाऊंगी, तो मैं आप नया सो आज का वीडियो तो कल का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और नया वीडियो हम इस वीडियो को एंड करने के बाद नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आपको कल का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।